क्योंकि ये बैटरी ना जो कंपेटेबिलिटी है और फोर बैटरी जो मेंटेनेंस भी रहता बैटरी का जो वाटर फिलिंग करना और वाटर फिलिंग करने से फ्लेमिंग भी आते हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता। रहने का लाइफ स्टाइल हर जगह पर चेंज हो गया है, जैसे कि कुछ लोग घर फार्म हाउस सोसाइटी अपार्टमेंट और विलाज में रहना पसंद करते हैं, लेकिन यदि सबकी एक कॉमन जरूरत की बात करें तो बिजली है। बिजली हर राज्यों में हर जगह पर अलग अलग है। कहीं पर बिजली की जो यूनिट है वह 7.5 रुपये है, कहीं पर 5 रुपये है, लेकिन जहां पर आज हम खड़े हैं वह एक विलाज है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की बात करें तो लगभग 20 रुपीज पर यूनिट पे करना पड़ता है। तो इसी को समझने के लिए हम आए हुए हैं हैदराबाद के लोकेशन में, जहां पर यह विला है और यहां पर लगभग 100 विलाज हैं ऐसे ऐसे बने हुए। और यदि हम बात करें विलाज की रहने की लाइफ स्टाइल, कुछ लोग विलाज में रहना पसंद करते हैं। यह जो एक गेटिंग सोसाइटी होता है यहाँ पर हर टाइप की फैसिलिटी होता है। सबसे बड़ी जो होती है वह है सेफ्टी, और यहाँ की जो हर छोटी छोटी जो जरूरत होती है जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसी जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर एक कम्युनिटी के अंदर सारा कुछ अवेलेबल होता है। तो जहाँ पर हम हैं यह एक स्मार्ट होम है, यहाँ के हर अप्लायंसेस स्मार्ट है। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या है और कैसे काम कर रही है, यहाँ की जो पावर बैकअप सॉल्यूशन है वो किस टाइप की पावर बैकअप सॉल्यूशन लगाया गया है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये लाइट है, ये ऑटोमेटिक इवनिंग में स्टार्ट हो जाती है, तो इसके लिए एक डिवाइस लगा हुआ है जहाँ से ये सब सारे अप्लायंसेस को कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो गेट है, गेट को सबसे पहले हम ओपन करते हैं। ये भी गेट हाई क्वालिटी का डिजाइन किया हुआ है, ये हमें लगता नहीं कि ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। यह एक कंट्रोल पैनल है जहाँ पर आपको बता दे आज के टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि घर के एग्जिस्टिंग वायर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि फैन अभी चल रहा है, फैन को हम बंद करना चाहते हैं तो इसको हम प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। यह जो एरिया है वो घर का इंट्रेंस है जहां पर पूरा जिम के लिए डिजाइन किया हुआ है। यहां पर आप देख रहे होंगे जिम के बहुत सारे एसेसरीज मशीनरी लगाया हुआ है, और यहां पर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का फैन जो आईओटी बेस्ड है वह मोबाइल से कंट्रोल होता है, और यहां पर एक सेंट्रलाइज एसी है, कुछ लाइट्स हैं और कुछ ऐसे करके इंटरनेट सर्वर रूम है यहाँ पर, कि कुछ भी मतलब यहाँ पर जो वर्क फ्रॉम होम इन सभी की जो काम चलती है उसके लिए एक सर्वर रूम है। यहाँ पर जितने अप्लायंसेस हैं सब के सब इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसके लिए ये सर्वर बनाया गया है। जैसा कि आप देखें कि इस घर की सारे अप्लायंसेस एडवांस टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, और सभी को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत होगी, और इंटरनेट एक इमरजेंसी पावर बैकअप सॉल्यूशन, उसको चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है ऑनलाइन यूपीएस। बट वह आज के टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन यूपीएस के साथ साथ और भी ऐसी जरूरत होती है, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है इमरजेंसी पावर बैकअप सॉल्यूशन जो कैमल बैटरी है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि यह कैमल बैटरी एक रैक स्टोरेज सिस्टम है, रैक स्टोरेज सिस्टम का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक रैक में एक बैटरी नीचे है, ये लकड़ी निकल नहीं रहा है, और दूसरा बैटरी ये है और तीसरा बैटरी ये है, तो ये जस्ट लाइक अ रैक स्टोरेज सिस्टम है। यदि हम बात करें एक एक बैटरी की कैपेसिटी की तो ये 5 किलोवाट 5 किलोवाट और 5 किलोवाट नीचे है, मीन्स ये 15 किलोवाट की रैक स्टोरेज सिस्टम है। लगभग 2 फीट बाई 3.5 फीट 4 फीट के जगह में लगभग ये 15 किलोवाट का स्टोरेज है ये। इसके बारे में हम बात करें तो इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशन को तो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, लेकिन यहाँ पर हमें फिजिकल सब कुछ दिख रहा है तो हम चाहेंगे एक एक चीज करके हम आपको बताएं। तो सबसे पहले नंबर वन, जैसा कि आपको पता है कि बैटरी इतने एडवांस टेक्नोलॉजी घर में, बैटरी आपको लगता है कि कभी भी 4 बैटरी के जगह पर ये एक बैटरी काम करता है, और यहाँ पर 3 पावर बैकअप सॉल्यूशन लगाए। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स देखने को मिल रहा है कि 4 बैटरी के जगह पर 1 बैटरी, वो कैसे हुआ आपको देखकर ही पता चल रहा होगा।
तो यहाँ पर 15 किलोवाट की पावर बैकअप सॉल्यूशन लगाया हुआ है। यदि हम पुरानी बैटरी की बात करते तो 15 किलोवाट में लगभग 30 बैटरी लगाने की जरूरत पड़ती। तो ये सब जो एरिया आप देख रहे सारे ऑक्युपाई हो जाता। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है वह आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अब जो दूसरा पॉइंट आती है कि जो मेंटेनेंस फ्री है वो कैसे, जनरली 30 बैटरी यदि आप हम यहाँ पर लगाते तो कुछ बैटरी यहाँ रहता कुछ बैटरी यहाँ रहता, एक तरीके से पूरा का पूरा एकदम इंटरनेट जैसा भरा पड़ा रहता। लेकिन उसमें जो मेंटेनेंस की जो रहती है कि जो हर साल उसमें पानी फिल करना है, उसमें कैसे पता चलता कि किस बैटरी में हमारा पानी ज़्यादा है, किस में कम है, कौन से बैटरी में हमें डालना है, इन सभी को झंझट को दूर करने के लिए ये सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन लगाया गया है जिसमें नो मेंटेनेंस, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि देयर इज नो मेंटेनेंस इन दिस बैटरी, सिर्फ आपको एक बार लगाना है और इसकी जो लाइफ है 5 साल 10 साल, उस समय तक आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्लीनिंग कपड़ा मार के इसको साफ कर देना है। तो यहाँ पर जो सबसे तीसरा जो सबसे बड़ी बेनिफिट है वो फास्ट चार्जिंग इस बैटरी में। नॉर्मल बैटरी में जनरली क्या होता है कि एक बैटरी को चार्ज करने में लगभग 10 घंटे की बैकअप की जरूरत होगी, और उसके लिए लगभग 10 घंटे की बात करें तो यहाँ पर 3 बैटरी लगा हुआ है, और इस बैटरी की हम बात करें तो एक बैटरी को चार्ज करने में लगभग 5 यूनिट बिजली की जरूरत होती है। तो यहाँ पर 15 यूनिट यदि हम पूरे बैटरी को चार्ज करें तो 15 यूनिट बिजली की जरूरत होगी। और यहाँ पर जो जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ की जो बिजली यूनिट, जैसा कि हम आपको बताएं कि लगभग 20 रुपीज पर यूनिट है, उस हिसाब से काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए स्मार्ट सिलेक्शन ये किया गया है कि इनके रूफ पर एक सोलर पैनल लगाया गया है और वहां पर MPPT चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर से कनेक्ट करके इस बैटरी को चार्ज किया जाता है। और पूरे दिन में यदि सनलाइट की बात करें तो यहां पर सुबह के 7 बजे से लेके इवनिंग के 5 से 6 बजे तक सफिशियंट धूप रहती है, जिससे ये बैटरी कम टाइम में पूरी चार्ज हो जाती है। लगभग हाफ एन आवर में बैटरी 50% चार्ज हो जाता है और बाकी के 100% चार्ज होने में लगभग 4 घंटे की टाइम लगती है। इसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि सारे सिस्टम को, जैसे कि हम आपको बताएं कि स्मार्ट होम डिजर्व्स दिस सॉल्यूशन, यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है और सारे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ के सारे अप्लायंसेस मोबाइल फोन से कम्युनिकेट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर पैरेलल कम्युनिकेशन किया हुआ है और कम्युनिकेशन वायर के थ्रू इस सारे इन्वर्टर को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। इसके जो और एक बेनिफिट्स है कि यहाँ पर ये जो बैटरी है, जितने भी बैटरी लगे हुए लिथियम सेल से बना हुआ बैटरी है, तो इस मोबाइल और लैपटॉप जैसे इस बैटरी को हम पूरे चार्ज और पूरे 100% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी की चार्जिंग के लिए यहाँ पर इंडिकेशन दिया हुआ है, MCV स्विच दिया हुआ है कि कभी हम इसको बंद कर सकते हैं, और इसी के साथ एक एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है, अर्थिंग का दिया हुआ है, और ये मेटल बॉडी में बना हुआ है, तो किसी भी टाइप का ये दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नई टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट में होती है वह होती है सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन। इस बैटरी को कनेक्शन करने में और एक नॉर्मल बैटरी के कनेक्शन करने में जो इंस्टॉलर होंगे, इलेक्ट्रीशियन होंगे, वो समझ रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। इसकी जो कनेक्शन है बहुत ही सिंपल है, तीनों बैटरी को पैरेलल कम्युनिकेट करके यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। वहीं पर हम पुरानी बैटरी की हम बात करते तो यहाँ पर हर बैटरी को प्लस माइनस कर करके हमें 30 बैटरी का कनेक्शन करना होता, जो काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग भी है, रिस्की भी है कि थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ तो बैटरी खराब होगा या इन्वर्टर खराब होगा या बैटरी फटने की डर रहेगी। और जो सबसे बड़ी बेनिफिट्स है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ पर जो भी है, कि इसमें किसी टाइप की जो गैस रिलीज होती है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सेफ, इसमें किसी टाइप की लिथियम आयन सेल से बना हुआ है, BMS से बना हुआ है। तो यहाँ पर ना हम कोई एसिड डालते हैं जिससे कोई गैस रिलीज होगा, मतलब यहाँ पर हेल्थ के लिए, जैसे कि आप एक्सरसाइज रूम है तो यहाँ पर इस टाइप की बैटरी हम रख भी नहीं सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन आपको जानना बहुत जरूरी है कि विलाज में इंडिपेंडेंट लेवल पर आप सोलर नहीं लगा सकते हैं, ये इंडिया लेवल पर सभी को लगता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑफ ग्रिड सोलर सॉल्यूशन
आप अपने छत पर लगा सकते हैं, जिसके लिए किसी का कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आपको नीचे दिखाए कि 15 किलोवाट आवर की कैमल बैटरी लगाया हुआ है और उसके साथ हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर जो MPPT का 5 KVA में है, उसके साथ यहाँ पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल जो लगाया हुआ है, उसके साथ यह सोलर पैनल पावर जनरेट करता है और बैटरी में स्टोर करता है। यहाँ पर 15 किलोवाट का सोलर पैनल नहीं लग सकता है, क्योंकि स्टोरेज की यहाँ पर एरिया की बात करें तो एरिया जो इंक्लाइंड रूफ आप देख रहे हैं पीछे मेरे साइड, यहाँ पर सोलर लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट यदि होम ओनर की यदि प्लान बाद में रहेगी तो यहाँ के जो इंस्टॉलर है उसको यहाँ पर ये सोलर लग सकती है। अभी जो सोलर लगा हुआ है वह ये रूफ पर लगा हुआ है, जो ये 10x10 का रूम है वहाँ पर के रूफ पर ये सोलर लगा हुआ है। यदि हम बात करें इसके फायदे का, तो फायदे आपको बहुत बढ़िया से पता है कि सोलर पैनल से डे के टाइम में बिजली बनाएगा, बैटरी में स्टोर होगा और इसमें जो बैटरी लगाया हुआ है वह एडवांस टेक्नोलॉजी की बैटरी है, जो मात्र 2 से 4 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाता है और बाकी के टाइम में जो सोलर पैनल से डायरेक्ट घर के अप्लायंसेस, जैसा कि हम यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर सारे अप्लायंसेस स्मार्ट है, उस हिसाब से यहाँ पर ये सोलर से डायरेक्ट वहाँ पर अप्लायंसेस भी चलने लगता है। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सा इन्वर्टर लगाना चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सिंपल रूल है कि ये जो बैटरी है 48 वोल्ट में है, जनरली बैटरी को 48 वोल्ट की इन्वर्टर सपोर्ट करेगा। कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 48 वोल्ट में एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, जो एक इन्वर्टर, दो इन्वर्टर और 3 इन्वर्टर है। ये जो ये विला है वो 3 फेज कनेक्शन के साथ चलती है, तो यहाँ पर एक एक इन्वर्टर के साथ एक एक फेज को कनेक्ट किया हुआ है। तो सर बताएं, ये कनेक्शन बहुत एडवांस किया हुआ है। हाँ। आज तक इंडिया में ये फर्स्ट है जो 15 किलोवाट आवर की कैमल बैटरी का इंस्टॉलेशन किया हुआ है, तो कनेक्शन के बारे में थोड़ा बताएं क्या है। अभी जो ऊपर से जो कनेक्शन सोलर पैनल से कनेक्शन आ रहा ना, ये डायरेक्टली ये चार्ज कंट्रोलर में जाएगा। ठीक है। उसके बाद है ना, ये कनेक्शन बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स है, ठीक है, इसमें जाएगा। उसके बाद ये इन्वर्टर को सप्लाई करेगा डायरेक्टली। ओके ओके। उसके बाद वहां से ही डायरेक्ट कैमल बैटरी को कनेक्टेड, 3 बैटरीज को ओके कनेक्टेड पूरा। ओके। और घर के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? जो घर का कनेक्शन ग्रिड कनेक्शन रहता ना, वो आके ये इन्वर्टर को कनेक्टेड है। ठीक है। वहाँ पे सिंक्रोनाइज होके जो डे टाइम में जो सोलर का पावर जनरेशन होना, वहाँ से बैटरी, फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी चार्ज करेगा, आप तभी घर का लोड भी चला सकते हैं। जो इन्वर्टर की ये सब जो सेटिंग है, क्या ये मैनुअल होता है या मोबाइल के थ्रू होता है? नहीं, मोबाइल के थ्रू भी आप ऑपरेटिंग कर सकते हैं। ओके सर, ये जो बैटरी है और ये जो सॉल्यूशन है, आपको पर्सनल इंटरेस्ट इसमें क्या ऐसा अच्छा लगता है? क्योंकि ये बैटरी ना जो कंपेटेबिलिटी है और 4 बैटरी जो मेंटेनेंस भी रहता बैटरी का, जो वाटर फिलिंग करना, और वाटर फिलिंग करने से फ्लेमिंग भी आते हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता, एनवायरमेंटल फ्री है, मेंटेनेंस फ्री है, और इसमें NCB दिया हुआ है, NCB से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, इंडिकेटर बैटरी के अंदर कितना चार्ज है वो भी दे सकते, कुछ फॉल्ट है तो अलार्म भी दे सकते हैं, और मॉनिटर भी कर सकते हैं, अगर कस्टमर चाहे तो मॉनिटर भी कर सकते है इवेंट में। तो यहाँ पर लगाने की तक अभी तक आपको किसी टाइप की कोई कंप्लेन, क्योंकि नई प्रोडक्ट है, नई टेक्नोलॉजी है, कई लोग डरते हैं कि नई टेक्नोलॉजी है, जब तक कुछ ट्रस्ट नहीं होगा तो हम कैसे लगा दें, तो कुछ ऐसा आपको लगा हो? नहीं नहीं, अभी तो कैमल बैटरी में तो कोई भी कंप्लेंट तो नहीं आया, क्योंकि अभी ये लिथियम बैटरी तो कभी भी कंप्लेंट नहीं आता, क्योंकि उसमें BSM लगा हुआ रहता है, उसमें ज्यादातर कंप्लेंट तो नहीं दिखा मेरे तो। ठीक है। तो ओवरऑल आपका अभी तक का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है? हाँ, बढ़िया रहा। जो वीडियो देख रहे हैं, यदि वो हैदराबाद के लोकेशन के आसपास से है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए उनसे हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले वह इंजीनियर को बुलाएं अपने घर पर, क्योंकि
फोन पर समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इस टाइप के अप्लायंसेस है, क्या लगेगा, कहाँ कनेक्शन होगा, कितना स्पेस लगेगा, वो सारा कुछ एक बार समझने के बाद सॉल्यूशन जब प्रोवाइड करवाया जाता है तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। और यदि हम बात करें इस पूरे पावर बैकअप सॉल्यूशन का, जो 15 किलोवाट की पावर बैकअप सॉल्यूशन है, तो इस पूरे पावर बैकअप सॉल्यूशन का तो लगभग 7.5 लाख रुपये की पावर बैकअप सॉल्यूशन है, और यदि आप इसके साथ सोलर भी लगाना चाहते हैं तो लगभग आपको 2 से 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग सकती है। लेकिन आपको सोचने की जरूरत ये नहीं है कि इतना पैसा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कंपनी जैसे कि लूम सोलर, इन सभी कंपनी के पास ईएमआई ऑप्शन की सुविधा उपलब्ध रहती है। यहाँ पर लोन पर लगा सकते हैं या उसको ईएमआई फाइनेंस करवा सकते हैं। तो सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है कि कितने किलोवाट का सिस्टम हमारे घर में लगेगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपको इस टाइप की सॉल्यूशन आपने फार्म हाउस, विलाज, घर, कमर्शियल एप्लीकेशन इन सभी के लिए खरीदना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।